सुंदर दिन दिया और आज की सुबह परमेश्वर के पास में आकर प्रभु की महिमा करने का मौका मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, परमेश्वर के आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन मेरे साथ निकालिए बाइबल में बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1-9। यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 1 आयत से लेकर 9 आयत तक। जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1-9। यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 1 आयत से लेकर 9 आयत में परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत हसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। आज यहां से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, यीशु महान चिकित्सक है। ये मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, मतलब यीशु महान डॉक्टर है। वैद्य भी बोल सकते हैं हम, डॉक्टर वैद्य। यीशु महान डॉक्टर है, ये मेरे बोलने का यहां से शीर्षक रहेगा। यहां पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम को गए तो वहां पर भेड़ फाटक के पास में एक बेत हसदा नाम का एक कुंड है और वहां पर बहुत सारे बीमार लोग, अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे, कोढ़ी, अपाहिज, बहुत सारे लोग वहां पर बीमार लोग पड़े रहते थे वहां पर चंगा होने की आशा में, क्योंकि वहां पर नियुक्त समय पर उतरकर परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पानी को हिलाया करते थे। वो कुंड में जो पहले उसमें उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। तो वहां पर जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो वहां पर देखा कि ये 38 वर्ष से ये मनुष्य वहां पर बीमारी में पड़ा है। यीशु ने उसके पास में गए और उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो बोलता है, प्रभु, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वहां पर उस कुंड में लेकर जाए, मेरे से पहले कोई दूसरा उसमें चला जाता है। तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू अपना खाट उठा और चल फिर। खाट उठाकर उसी समय में वो मनुष्य चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर वो चलने फिरने लगा। भाई बहन, क्योंकि हम देखते हैं यीशु हमारा महान डॉक्टर है और वो हमारा महान चिकित्सक है, वैद्य है हमारा। तो हमारी चाहे कैसी बीमारी क्यों ना हो, कितने भी समय की बीमारी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि भाई बहन, ये व्यक्ति को यहाँ पर देखते हैं हम, तो इसको 38 वर्ष हो गया बीमारी में पड़े हुए। इसकी आधी उम्र तो बीमारी में निकल गई और वहां पर पड़ा हुआ था और कोई भी उसको उठाने वाला भी है नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जाकर उसके लिए उठाया, उसको चंगा किया, क्योंकि वो हमारा महान डॉक्टर है। इसलिए हमारी बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, कितने भी समय की बीमारी क्यों ना हो, जब हम उसको विश्वास करते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, उससे प्रार्थना जब हम करते हैं, उसके पास में जब हम आते हैं, तो प्रभु हमें चंगा करता है, हमारे जीवन में आशीष देता है। इसलिए आज खुदा के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन, अभी ये समय भी ऐसे चल रहा है कि ये आइस फ्लू की अभी जो बीमारी आई है और बहुत सारे लोग जो है कि बीमार हैं, ये सभी जगह में देखने को मिल रहा है, लोगों में बीमारी हो रहा है, काफी लोग बीमार हैं, लेकिन जो लोग प्रभु को विश्वास करते हैं
बहुत सारे लोग बीमार में हैं, जो प्रभु को विश्वास करते हैं, उस खुदा के पास में आते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर इस बीमारी से चंगाई करेगा। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुदा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारा महान डॉक्टर है। हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम किए हैं, हमें बाइबल में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे काम प्रभु ने किया है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में वो चंगाई करता है, हमें जीवन देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जोन चैप्टर 20 वर्सेस 30 और 31 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना उसका 20 अध्याय और 30 और 31 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, और ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो और विश्वास करके उसके नाम से तुम जीवन पाओ। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हमें बाइबल में देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार प्रभु ने किया है बाइबल में। हमें खुदा के लिए हमें विश्वास करना चाहिए। अध्याय में भी पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने मरने से पहले भी जो है कि बोलते थे मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, 3 बार भविष्यवाणी किया और तीसरे दिन में जिंदा होऊंगा। ये चमत्कार भी प्रभु ने जो है कि दिखाया, ये चिन्ह भी परमेश्वर ने दिखाया, खुदा ने दिखाया, उसको मार दिया, गाड़ दिया और तीसरे दिन में वो खुदा जिंदा हुआ। मरकर आज तक भी कोई दोबारा जिंदा नहीं हुआ है, और जो मर गए वो कब्र में ही है, कब्र में पड़े हैं, कोई भी दोबारा जिंदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आए पहले भी, अभी भी, अभी तक भी कोई भी जिंदा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने ये चिन्ह भी दिखाए कि मरकर भी देखो तीसरे दिन में वो जिंदा हुआ। बहुत सारे चिन्ह चमत्कार बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि प्रभु ने हमें दिखाया, और इस पुस्तक में बहुत सारे काम छोटी मोटी बातें लिखी भी नहीं गई है जो प्रभु ने दिखाया, और यदि लिखी भी जाती तो इस संसार में ये बाइबल पुस्तक भी नहीं समाता। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जोन चैप्टर 21 वर्स 25 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे चिन्ह चमत्कार प्रभु ने दिखाए जो बाइबल में नहीं लिखा गया, नहीं तो पुस्तकें भी संसार में समाता नहीं। बहुत सारे चमत्कार प्रभु ने दिखाया है, हमें विश्वास करना चाहिए। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, गूंगों का बोली देने वाला, बहरों को कान खोलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उसको विश्वास करना चाहिए। बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं, जब हम उसको विश्वास करते हैं वो खुदा हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, क्योंकि भाई बहन ये बीमारी हमारे जीवन में आती है और प्रभु हमारे लिए चंगाई करता है। वो खुदा हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए बनाया है, हमें जीवन दिया है, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अभी तक भी हमें जीवन दिया है, हमें बचा के रखा है, और परमेश्वर ने हमारे लिए कोई हानि नहीं होने दिया हमारे जीवन का, परमेश्वर ने हमारे लिए नाश नहीं होने दिया, परमेश्वर ने हमारे लिए जिंदा रखा है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमारे लिए बचा के रखा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यर्मिया चैप्टर 31 वर्स 3 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यर्मिया उसका 31 अध्याय का 3 आयत में, मैं तुझसे सदा प्रेम करते आया हूँ और मैंने अपनी करुणा तुझ पर बनाए रखी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है भाई, परमेश्वर की करुणा से, परमेश्वर की दया से आज हम लोग बचे हुए, उसकी कृपा से। पिछले समय में हम देखते हैं दो तीन साल जो है कि कोरोना वायरस भी चला, ऐसा देखो कितना खतरनाक ये वायरस था, कितने लोग जो है कि मर गए इस बीमारी से, लेकिन परमेश्वर ने देखो अपनी करुणा हम पर बनाए रखी, परमेश्वर ने हमारे लिए जिंदा रखा है। ऐसी ऐसी महामारी से भी परमेश्वर ने हमारे लिए बचाया, और आज तक भी परमेश्वर ने हमारे लिए बचाया। बहुत सारे लोग जो है कि देखो बीमारी से लड़ते लड़ते मर जाते हैं, कितने लोग 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीमार पड़े रहते हैं बिस्तरा में, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बीमारी से लड़ते लड़ते। लेकिन खुदा का शुक्र है कि देखो परमेश्वर ने अभी तक भी हमारे लिए जिंदा रखा है, हमारे लिए बचा के परमेश्वर ने रखा है, अपनी करुणा उसने हमारे ऊपर में बनाए रखी है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन, कि हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा महान डॉक्टर है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या होती है, कोई भी परेशानी जब हमारे जीवन में आती है, हमें उस खुदा के पास में हमें आना चाहिए। और जो भी हमारे जीवन में बोझ होता है, जो भी हमारे जीवन में समस्या परेशानी होती है, सब हमें प्रभु के पास में हमें लेकर आना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, तुम अपनी समस्याओं को मेरे पास में लेकर आओ, तुम अपना बोझ मेरे पास में लेकर आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में
वहां पर लिखा है मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 आयत में कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ हमारे जीवन में चाहे कैसी कैसा भी बोझ क्यों ना हो, चाहे बीमारी का हो, गरीबी का हो, लड़ाई झगड़ा का, अशांति का बोझ हो, चाहे हमारा काम का, बिजनेस व्यापार का, कैसा भी हमारे जीवन में चाहे बोझ क्यों ना हो, जब हम उस खुदा के पास में हम लेकर आते हैं तो हमारे जीवन में शांति देता है। हम अपनी बीमारी को प्रभु के पास में लेकर आते हैं, प्रभु हमें छुटकारा करता है, हमें चंगाई देता है। कैसा भी बोझ क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हमारे जीवन से उस बोझ को दूर करता है और हमारे जीवन में शांति देता है। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देता है, आशीष देता है। हम आनंदित हो जाते हैं जब प्रभु के पास में हम आते हैं, हमें शांति मिलती है और हमारे बोझ को प्रभु दूर करता है। इसलिए आज खुदा के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो व्यक्ति को 38 वर्ष हो गया था बीमारी से लड़ते हुए और जो है कि वहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन कोई उसको उठाने वाला भी है नहीं है। यीशु मसीह ने जाकर उसके लिए पूछा, चंगा होना चाहता है, और यीशु मसीह ने उसके लिए चंगाई किया, बोल दिया कि तू अपना खाट उठाकर यहाँ से